हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2023 कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया है, तो गाइज आज मैं आपको बताने वाली हूँ नीट यूजी ऑफिशियल आंसर की जो है आपकी आउट हो रही है। तो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। लगभग एक वीक से अब जो है टाइम हो चुका है स्टूडेंट्स को वेट करते करते, क्योंकि 7 मई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और एक वीक के अंदर अंदर जो है ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाती है। तो गाइज आज मैं बताने वाली हूँ NTA जो ऑफिशियल आंसर की आउट कर रहा है वो आपका किस टाइम से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और जो आपकी कितने क्वेश्चंस में बोनस मार्क्स मिलने की संभावना है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप के इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम रिजल्ट कट ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं नीट यूजी का एग्ज़ाम 7 मई को कंडक्ट करवाया गया था, और NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने की, तो ये जिम्मा जो है हमेशा है NTA ही उठाती है नीट यूजी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। आगे NMC जो है गाइडलाइंस चेंज कर रही है, तो आगे ऐसा हो सकता है कि NMC खुद या फिर कोई एजेंसी हायर करके अदर देन NTA नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो जो ऑफिशियल आंसर की है गाइस आज आपकी जारी होने जा रही है। आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है ये कि आज आपको ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगी, आज आप मैच कर पाएंगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी की बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, इतने क्वेश्चंस गलत थे, तो गाइस वो सब क्वेश्चंस जो है, जो डाउट जो है आपके, वो क्लियर हो जाएंगे आज के दिन कि कितने में बोनस मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि बोनस मार्क्स डिपेंड करेगा कि NTA जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है, या दो आंसर्स जिन क्वेश्चंस के है, या ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को NTA डिलीट करता है या फिर उसको बोनस मार्क्स आपको देकर उसमें सुधार करता है। ये NTA के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि 2022 में जब ऐसा हुआ था तो बोनस मार्क्स नहीं दिए गए थे गाइस। बोला जा रहा था बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन फाइनल जो है बोनस मार्क्स नहीं दिए गए थे। हाँ, पहले ऐसा होता था, जैसे 2018-19 देखेंगे आप उठाकर, तो उस टाइम बोनस मार्क्स दिए जाते थे। तो अभी जैसे 3 क्वेश्चंस में बोल रहे हैं, तो ऑफिशियल आंसर की आएगी तब पता चलेगा जो एक्सपर्ट्स हैं उनने आंसर्स क्या माने हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो आंसर की आएगी आफ्टर दैट ऑब्जेक्शन रेज करने का आपको टाइम दिया जाएगा 2 to 3 days। जो आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, फिर एक्सपर्ट्स के थ्रू उनको जांचा जाएगा, और आफ्टर दैट एक फाइनल आंसर की आपकी रिलीज की जाएगी। क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का काफ़ी बड़ी गड़बड़ कर सकता है। एक एक नंबर जो है स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर सेम मार्क्स होते हैं तो भी आप देखते हैं कितना रैंक डिफर कर जाता है, क्योंकि वो डिपेंड कर जाता है। जैसे सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो बायोलॉजी को दी जाती है, आफ्टर दैट फिजिक्स, आफ्टर दैट केमिस्ट्री, ठीक है। और पहले क्या होता था, अगर मान लिया जाए आपके मार्क्स इक्विवेलेंट है तो नेगेटिव मार्किंग देखी जाती थी, आपने कितने नेगेटिव क्वेश्चंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपका रैंक डिसाइड किया जाता है, और अब की बार भी ऐसा ही होने वाला है। और पिछले साल तक तो ऐसे भी था कि जो एज था, एज का क्राइटेरिया भी टाई ब्रेकिंग रूल के अंदर ऐड किया गया था, लेकिन इस साल ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि टाई ब्रेकिंग रूल के अंदर एज का क्राइटेरिया हटा दिया गया है। जैसे पहले जो ज़्यादा एज के बच्चे होते थे उनको पहले रैंक दिया जाता था अगर इक्वल मार्क्स है तो, और बाद में बाकी बच्चों को दिया जाता था, तो अब की बार ये चीज़ हटा दी गई है। तो गाइज नीट यूजी कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है, आज शाम तक जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी, जैसे ही जारी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज का फुल एंड फाइनल बोला गया है कि ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी। तो गाइज जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।